हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेंपल की ओर। हेलो गाइस, सब गुड मॉर्निंग आप ही लोगों को। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोल्डन टेंपल। जी हाँ, आप है जो इतनी भव्य और सुंदर छटा जो दिख रहे हैं वह है गोल्डन टेंपल की। और अभी जो समय हुआ है वो है सुबह के 5 बजे का समय। चलिए गोल्डन टेंपल पहुंचने के पहले वहां तक का तय किया गया मार्ग के बारे में पहले देख लेते हैं और फिर बताते हैं आपको पूरी स्टोरी। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को जम्मू के रघुनाथ मंदिर की वीडियो में बताया था कि अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा अमृतसर के लिए, और फिर हमारी बस छूट चुकी थी जम्मू से अमृतसर जाने वाली। तो कुछ नहीं, हम प्राइवेट वाहन से लिफ्ट लेते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। जैसा कि अभी ये रास्ता देख रहे हैं ये काफ़ी सुनसान नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ दिन में इतनी चहल पहल रहती है जिसे बयां कर पाना असंभव है। तो चलिए आज हम आपको लेकर आए हैं पंजाब राज्य के एक छोटे से शहर अमृतसर में। ये शहर छोटा तो नहीं है, इस शहर की अपनी कई विशेष खूबियां हैं जिसके कारण यह शहर एक भारत के सबसे प्रमुख स्थानों में गिना जाता है। सबसे बड़ी बात कि इस शहर में सिखों का सबसे बड़ा तीर्थस्थल गुरुद्वारा हरिमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर और गोल्डन टेंपल भी कहते हैं, और इस शहर से जुड़ी अपनी कई विशेष रोचक जानकारियां, कथाएं, इतिहास यह अपने आप में समेटे हुए हैं। वैसे तो आज़ादी की दास्तान में इस शहर का भी अपना एक विशेष योगदान रहा है, और कहीं ना कहीं इस शहर में आज भी वो छवि नज़र आती है जो कि आज़ादी के पहले भी थी। सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ माने जाने वाला यह अमृतसर शहर एक सरोवर के कारण इस शहर का नाम अमृतसर पड़ा। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे अमृतसर का गोल्डन टेंपल। और सबसे पहले जो भी अभी इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जैसा कि मैंने अभी तक देखा कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया और आप लोग इसी तरह अपना प्यार देते रहें, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपको सामने से जो एक लाइनिंग में लाइट दिख रही है यह है हरिमंदिर साहिब के बाहर का दृश्य है। तो वैसे हम पहुंच चुके हैं अमृतसर के शहर में और अब गुरुद्वारे के नज़दीक भी पहुंच चुके हैं, जहां पर हम अपना सामान जमा करने के पश्चात आगे बढ़ेंगे। वैसे तो हर मंदिर में जाने के अपने विशेष नियम होते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिल चुके थे ये दोनों कपल, कुछ दोस्त जो कि शायद यहाँ घूमने के लिए आए थे। इनसे भी हमारी कुछ देर तक बातचीत हुई और ये सोनीपत से आए हुए थे। और फिर आपको दिखाते हैं वीडियो में आगे। जैसे कि आप यह तरफ देख रहे हैं अब जा रहे हैं गेट के अंदर। तो प्रत्येक मंदिर में जाने के अपने कुछ नियम होते हैं, वैसे ही यहाँ के भी कुछ नियम हैं। सबसे पहले तो गुरु मंदिर गुरुद्वारा में हरिमंदिर साहिब में बिना सर ढके आप नहीं प्रवेश कर सकते हैं। जहाँ ढकने के लिए कपड़ा आप या खरीद सकते हैं पगड़ी या आप गेट पर मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। जहाँ मंदिर में जाने के पहले आपके पैर धोए जाते हैं तो यहाँ आपको चलता हुआ पानी का स्रोत मिल जाता है और आप अपने पैर धोकर अंदर जा सकते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि इस शहर का नाम अमृतसर क्यों पड़ा। आप यह
जो सोने की आभा किरण से चमचमाती हुई लाइट के किरणों को देख रहे हैं, ऐसा ही विशेष प्रकाश का उत्पन्न हो रहा है और यह बीचों बीच सरोवर के बीचों बीच में बना हुआ है। तो इस अमृत सरोवर के कारण ही इस शहर का नाम अमृतसर पड़ा। वैसे तो इस सरोवर की भी अपनी जुड़ी गई कहानियाँ और इस मंदिर का अपना कुछ इतिहास है, वो हम दिखाएंगे इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तो अभी जो सुबह के बज रहे हैं 5:15, तो हम भी इस अमृत सरोवर में थोड़ा स्नान करते हैं और आपसे मिलते हैं वीडियो के बाद में। तो आप वीडियो को शेयर कर दें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें।